दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ का पर्पस जानते हैं? क्या आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो वाकई में सही है? दोस्तों, यूनिवर्स हमें अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता रहता है। उसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। वह जानता है कि आप क्या सही हैं और क्या गलत। दोस्तों, हम सभी जितने जागृत और सचेत हैं, उतना ही चेतना से भरा है यह ब्रह्मांड। हम भले ब्रह्मांड या प्रकृति को समझ ना सके, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसका प्रभाव इस ब्रह्मांड में अवश्य पड़ता है, और जो कुछ प्रकृति में होता है उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव हम पर भी पड़ता है। इसीलिए आप जब भी किसी चीज़ को लेके कीन इन्फ्यूजन में होते हो, तो यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए आपके आसपास या खुद आपके अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट कराता है जिससे आप सावधान हो जाए और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। यूनिवर्स कुछ साइन दिखा के हमें गाइड करता रहता है, लेकिन अफसोस हम में से ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते या फिर इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए आज हम यूनिवर्स की 6 ऐसे ही साइन डिस्कस करेंगे जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको गाइड कर रहा है। नंबर वीनन, किसी से कॉन्वर्जन के थ्रू। यूनिवर्स का मैसेज हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के थ्रू ही मिल जाता है। कुछ लोगों के पास यूनिवर्स के मैसेज को आसानी से समझने की और इसे लोगों तक पहुँचाने की पावर होती है। ये साइन आपको कभी कभी किसी अजनबी से बात करते हुए दिख सकती है। वो पर्सन कुछ ऐसा कहता है या करता है जो आपके अंदर छिपे किसी गहरी बात को आपको याद दिला देते हैं, जिससे इनडायरेक्टली वो उस बात को दोबारा सोचने के लिए आपको एक मौका देता है। फोन में किसी का मैसेज या कॉल आना, टीवी या रेडियो से कोई मैसेज सुनना, या कुछ लोगों के कॉन्वर्सेशन को सुनना, आपको यूनिवर्स का मैसेज कहीं से भी मिल सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप जो भी सुनते हो वो यूनिवर्स का ही मैसेज हो, लेकिन कुछ वाकई में यूनिवर्स का एक ट्रू साइन होता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 2, किसी इवेंट का कई बार रिपीट होना। दोस्तों, ये दूसरी साइन है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में अपना काम बाखूबी कर रहा है। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जहां कोई चीज़ अलग अलग प्लेस और टाइम पे बार बार रिपीट होने लगी हो? ये बहुत ही सटीक इशारा है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने अभी वो काम पूरा नहीं किया है जिसे आप करना चाहते थे या जिसे आपने अधूरा ही छोड़ दिया था। किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना यूनिवर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, और आप जितना ज़्यादा अवेयर होते जाओगे उतना ही क्लियरली आप इस साइन को समझ पाओगे। लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं कि कुछ भी रिपीट होने पे आप टेंशन लेने लगे और सोचे कि ये क्या हो रहा है। आप इवेंट रिपीट को एक पॉजिटिव अगल से देखिए और ये सोचिए कि अभी जो हो रहा है शायद यूनिवर्स इससे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कराना चाहता है। नंबर 3, अचानक कोई रैंडम थॉट आ जाना। दोस्तों, कभी कभी आप कोई डिफरेंट काम कर रहे होते हैं और अचानक आपके दिमाग में एक सडेन आइडिया आ जाता है। हो सकता है कि ये आइडिया आपके किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो या किसी काम को शुरू करने का तरीका हो जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए इस रैंडम थॉट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का आपके लिए कोई ज़रूरी मैसेज भी हो सकता है। खासकर ये मैसेज उन प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हो। और शायद इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन तब मिलता है जब आप उसे भूल चुके होते हैं। इसलिए अपने रैंडम थॉट्स को कभी हल्के में मत लीजिए। नंबर 4, एक ही सॉन्ग का दिमाग में घूमना। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि किसी सॉन्ग की कुछ लाइंस हमारे दिमाग में बार बार चलने लगती है, और ऐसा भी होता है कि उसी टाइम उस सॉन्ग की लाइंस किसी टीम रेडियो या ऑटो रिक्शा में भी अचानक बजने लगती है। जब ये सारी चीज़ें रैंडम होती हैं और आप उस सॉन्ग को सुनने पर अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, तब संभावना है कि यह यूनिवर्स की कोई साइन हो जिसे और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप उस सॉन्ग की लिरिक्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके शब्दों में यूनिवर्स का कोई मैसेज छिपा हो। नंबर 5, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होना। सिकनेस और फिजिकल पेन के थ्रू यूनिवर्सल हमें बताता है कि हमारे सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर है। ये हमारी लाइफस्टाइल भी हो सकती है जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर रही है और हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसलिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए फोर्स कर रहा है। डमर से सब कुछ खत्म होता हुआ लगना हमारे ज़िंदगी में ऐसे टाइम आते हैं जब हमें ये महसूस होने लगता है कि सब कुछ खत्म होने लगा है और अब हमारी ज़िंदगी इससे ज़्यादा बेकार नहीं हो सकती। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, आपकी जॉब आपसे छीन ली जाती है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है, या आपके किसी खास पर्सन की डेथ हो जाती है। जब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं तो वह आपको खुद को और गहराई से जानने के लिए फोर्स करती है। लाइफ के उस स्टेज पे
जहां हम हमारे साथ हफ्ते बंद हो चुके होते हैं। सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, हमारी परछाई के अलावा और कोई हमारे साथ नहीं होता। तब यूनिवर्स हमें बहुत बड़ा मैसेज दे रहा होता है। यूनिवर्स हमें हमारे अंदर की उस ताकत को पहचानने के लिए मजबूर कर देता है जिससे कोई भी कभी भी किसी भी दर्द से टकरा सकता है, और वो ताकत जिससे हर कोई इंसान अनजान है। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको इन 6 साइन में कोई भी साइन दिखाई दे तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मांड बड़ी ही रहस्यमय तरीके से काम करता है। ये आपको सारे टूल्स, संसाधन, लोग और आपको आपकी ज़िंदगी में कई बड़ी सीख सिखाने के लिए लगातार काम करता रहता है। आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी बनना है, जो कुछ भी हासिल करना है, उसके लिए ये ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मांड के इन संकेतों पर आप ध्यान दें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये यूनिवर्स हमेशा इन चीज़ों को बहुत साफ साफ या आसान कर दे। एक संपन्न और अच्छी ज़िंदगी को बनाने के लिए आपको शायद दिवालियापन से भी गुजरना पड़ सकता है। मनचाही नौकरी की तलाश में आपको नौकरी से निकलना भी पड़ सकता है, या अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए आपको किसी दर्दनाक ब्रेकअप से भी गुजरना पड़ सकता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप हवा में फंसे एक अखबार की तरह हो जो बिना किसी डायरेक्शन के उड़े जा रहे हो। लेकिन अगर आप ध्यान देना शुरू करें तो आपको महसूस होगा कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको हर समय संकेत देता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में एक सुपर पावर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और वो सबकी भलाई ही चाहता है। बस देरी है तो बस उसके दिए इशारों को समझने की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।